हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज की अपकमिंग नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक पल्सर NS250 के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक का नाम NS250 होगा, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि इस बाइक का नाम पल्सर 250 भी हो सकता है। लेकिन ये बाइक एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की बाइक होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आपको बजाज की पल्सर 250 के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये कन्फर्म हो चुका है कि बजाज 28 अक्टूबर को पल्सर 250F, जो कि एक सेमी फेयर टाइप की बाइक होगी, उसको इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च करने वाली है। लेकिन काफी हद तक चांसेस है कि पल्सर NS250 भी 28 अक्टूबर को ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी इस बाइक का लॉन्च ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में हम बजाज पल्सर NS250 के प्राइस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। सो बजाज की पल्सर NS250, जो कि एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक होने वाली है, ये बाइक टेस्टिंग के दौरान काफी बार इंडियन रोड्स पे स्पोर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इस बाइक के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स रिवील हो चुके हैं। सो फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो इस बाइक के अंदर हमें सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेगी, साथ में डे टाइम रनिंग LED DRLs भी देखने को मिलेंगे, और इस बाइक की LED हेडलाइट का सेटअप MT15 और MT03 के जैसा है। सो हम कह सकते हैं कि इस बाइक की LED हेडलाइट का डिजाइन काफी हद तक MT15 और MT03 पे ही बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों जिन पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है उनको देख के ऐसा लगता है कि बजाज ने MT15 और MT03 की हेडलाइट के डिजाइन को चुरा लिया है। बजाज की इस बाइक के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर हमें LED हेडलाइट और LED DRLs के साथ में LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे, और रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, जैसी हमें NS200 के अंदर देखने को मिलती है। पल्सर NS250 के अंदर हमें NS200 के जैसे ही अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, और कॉस्ट कटिंग की वजह से इस बाइक के अंदर हमें कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो बजाज की बाइक 250cc सेगमेंट की बाइक होने वाली है, लेकिन इस बाइक के अंदर हमें डोमिनार 250 के जैसे प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को नहीं मिलेंगे, और कॉस्ट कटिंग की वजह से इस बाइक का प्राइस भी थोड़ा कम रखा जाएगा। लेकिन इस बाइक के अंदर हमें काफी मस्कुलर फ्रंट लुक देखने को मिलेगा, और इस बाइक का फ्रंट लुक देखने में काफी अट्रैक्टिव और काफी अग्रेसिव लग रहा है। साथ ही इस बाइक के अंदर हमें काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और इस बाइक के टैंक श्राउड्स भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें 250cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 26-28 PS के आसपास, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 24 Nm के आसपास। इस बाइक के अंदर हमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी, और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल रहने वाला है, और साथ ही इस बाइक के अंदर हमें स्प्लिट सीट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, और ग्रैब रेल्स भी इस बाइक के अंदर हमें स्प्लिट टाइप के देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। सो अभी तक इस बाइक का ये फीचर कंफर्म नहीं हुआ है कि इस बाइक के अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा या फिर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों काफी हद तक चांसेस यही हैं कि इस बाइक के अंदर हमें एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिजिटल फीचर्स इस बाइक के अंदर दिए जाएंगे वो हमें RS200 और NS200 से थोड़े से बेटर देखने को मिलेंगे। पल्सर NS250 इंडियन टूलर मार्केट में सुजुकी की जिक्सर 250, यामाहा के MT15 और FZ25 के साथ कम्पीट करेगी, क्योंकि ये बाइक एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की मशीन होने वाली है। और फाइनली दोस्तों, बात करते हैं इस बाइक की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक भी 28 अक्टूबर को इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 से लेके 1,50,000 के बीच में। दोस्तों, 28 अक्टूबर को बजाज पल्सर 250F को लॉन्च करने वाली है, और पल्सर 250F और NS250 इन दोनों बाइक्स की टेस्टिंग साथ में ही चल रही थी। सो काफी हद तक चांसेस यही है कि बजाज इन दोनों बाइक्स को एक साथ ही लॉन्च करेगी। सो दोस्तों, ये थे वो सभी फीचर्स जो हमें बजाज की पल्सर NS250 के अंदर देखने को मिलेंगे। पल्सर NS250 का फ्रंट डिजाइन हमें सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी होगा कि इसके अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप बजाज की नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक पल्सर NS250 का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।